व्हाट्सअप। सो रिसेंटली मैंने अभी एक मावनो का माइक ख़रीदा था और रिसेंटली मैंने उसका टेस्ट भी किया था। तो स्टार्टिंग में तो स्टैंडर्ड माइक पे मैंने टेस्ट किया था, उसमें मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा था, पर मुझे और अच्छे से टेस्ट करना था इसलिए मैंने हाई स्पीड पे टेस्ट किया उसको। स्टैंडर्ड माइक पे मैंने टेस्ट किया है और स्टैंडर्ड माइक प्लस पे मैंने टेस्ट किया है। सो अभी वीडियो चेक करते हैं मैंने जो शूट किया था स्टैंडर्ड माइक पे और स्टैंडर्ड माइक प्लस। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज मावनो माइक टेस्ट ऑन हाई स्पीड। अभी मैं 60 के ऊपर हूँ, 60 पे हूँ मैं। इधर ज़्यादा स्पीड जा नहीं पाऊँगा, 60 के आसपास रख सकता हूँ स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। माइक टेस्ट 1 2 3, दिस इज़ व्हाट यू गेट। 60 के ऊपर जाके ट्राई करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ मावनो माइक टेस्ट 1 2 3, दिस इज़ व्हाट यू गेट एट 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। तो फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया है कि स्टैंडर्ड माइक पे मेरा आवाज़ अच्छे से क्लियरली कैप्चर हो रहा है। अभी देखते हैं स्टैंडर्ड माइक प्लस पे। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग का मावनो माइक हाई स्पीड 1 2 3। स्टैंडर्ड माइक प्लस भी आपने चेक कर लिया कि मेरा आवाज़ थोड़ा भी आ नहीं रहा है। मैंने हाई स्पीड पे चेक किया, अराउंड 120 गया था मैं, तो उसमें क्लियरली आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड कुछ हुआ ही नहीं उसमें, आई मीन रिकॉर्ड तो हुआ पर मेरा आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुआ उसमें। सो दोनों वीडियोज़ आपने देख लिया, स्टैंडर्ड माइक और स्टैंडर्ड माइक प्लस। स्टैंडर्ड माइक पे मेरा अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड हुआ पर स्टैंडर्ड माइक प्लस पे मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरा माइक का प्लेसमेंट की वजह से था या कुछ और रीज़न था मुझे भी पता नहीं है। सो प्लीज़ कमेंट करके बोलना मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।